आई बिलीव अब तक आप सभी को पता चल चुका होगा जो भी इंसिडेंट हुआ है राव आईएएस के बेसमेंट में। अगर नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यार तीन एस्पिरेंट्स की वहाँ पर डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ फ्लडिंग। वहाँ नीचे राव आईएएस के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी वर्क कर रही थी, तो वहाँ पर फ्लडिंग की वजह से एकदम से बच्चे वहाँ से बाहर नहीं आ सके बिकॉज वहाँ पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट था जो कि फेल हो गया ऑब्वियसली बिकॉज टेक्नोलॉजी है, पानी की वजह से वो फेल हो गया और वहाँ पर बच्चे फंसे रह गए। बहुत देर के वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुछ बच्चों को निकाला गया जिसमें कि एक मेल और दो फीमेल्स की डेथ हो चुकी है। यार मैं खुद एक ओआरएन में रहने वाला स्टूडेंट रह चुका हूँ, जिसमें मैंने ओआरएन भी रहा हूँ, मैं करोल बाग भी रहा हूँ, मैं पटेल नगर, तीनों जगहों पर रह चुका हूँ। तीनों जगह पर मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी है। लाइब्रेरी यूजुअली 95 to 99% ऑफ लाइब्रेरीज आर इन बेसमेंट। और सिर्फ लाइब्रेरीज की बात नहीं है, वहाँ की जो क्लासेस भी होती है ना, मैं खुद पढ़ चुका हूँ तो मेरे को भी पता है, हमने खुद ने बेसमेंट में क्लासेस लगाई हुई हैं। एंड हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि भाई नीचे का जो बेसमेंट है वहाँ की एनओसी पढ़ाई वगैरह के लिए नहीं है, दैट इज़ ओनली फॉर स्टोरेज पर्पस। मेरे को कईयों ने पूछा था ना यार कि हमें दिल्ली जाना चाहिए पढ़ने के लिए, नहीं जाना चाहिए पढ़ने के लिए, क्या है क्या नहीं है। देखो दिस वीडियो इज़ अबाउट माई फीलिंग्स, हाउ आई फेल्ट आफ्टर दिस न्यूज़। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी, अभी भी शायद आवाज़ में लग रहा होगा, बट आई थॉट दिस इज़ दी हाई टाइम आई नीड टू से समथिंग। ओआरएन में या फिर दिल्ली में बच्चा किस तरीके से रहता है किसी को पता भी होगा, किस हिसाब का वहाँ रेंट है, किस हिसाब से एमिनिटीज़ हैं, एयर है, वाटर है, फूड है, किसी किसी को पता भी है कैसे रहते हैं वहाँ पे, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इतना ज़्यादा पे करने के बाद भी मिलता गया आपको सेफ्टी मेजर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है यार। जहाँ दो दो ढाई ढाई तीन तीन लाख रुपये की आप फीस पे कर रहे हो जिस इंस्टीट्यूट में, उसके बेसमेंट की जब वहाँ सेफ्टी मेजर्स नहीं कम्प्लीटली फॉलो कर रखे, वहाँ पे ये जो गवर्नमेंट वाले सारे कह दे रहे हैं, अधिकारी कह दे रहे हैं कि नहीं यार यहाँ तो एनओसी ही नहीं है पढ़ाने के लिए, अरे यार तुम लोगों को पता नहीं क्या वहाँ पे क्या चल रहा है, क्यों झूठ बोल रहे हो। आए दिन हम सुनते रहते हैं ना कि दिल्ली में ना खाना अच्छा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, ना हवा अच्छी, ना पानी अच्छा, तो फिर भी क्यों जा रहे हैं बच्चे वहाँ पे। इसका सिर्फ एक आंसर है कि उनका अपना एक सपना है, अपनी एक उम्मीद है कि वो एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। इस वजह से वो वहाँ जाते हैं, अपने माँ बाप के पैसे भी लगाते हैं, अपना टाइम, अपनी सारी की सारी यूथफुल एज, सारा का सारा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ एक गोल के लिए कि वो यूपीएससी क्रैक कर सके। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसी कोई चीज़ हो रही है, कितनी बार हमने न्यूज़ सुन चुके हैं, कितनी बार एस्पिरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से। अभी रिसेंटली हमने वो केस देखा ना जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मर गए, क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी नहीं है, तारों की क्वालिटी नहीं है, कहीं पे लग जाती है, बारिश होती है, कहीं पे रोड में पानी जमा हो जाता है। वहाँ पे कोटा में बच्चे सुसाइड कर करके मर रहे हैं, मुखर्जी नगर में आग लग रही है, किस तरीके से हो रहा है यार ये, ऐसे तो नहीं हो रहा होगा। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आपको अलाउ कर रहा होगा तभी होगा, या फिर जहाँ पे अगर इशू है तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट सर्वेंट को जा करके बोलना चाहिए ना। पहली बात तो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ ना वो पब्लिक सर्वेंट ज़्यादा होता है, हमारे काम के लिए ही आते हैं, हम खुद पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं ना, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं ना, जब हमारे ऊपर बीतेगी तभी जानना है क्या। हम लोग तो देखते हैं ना यार हर दिन कैसा होता है। उन तीनों में से कोई मेरा दोस्त नहीं था यार, बट मैं समझ पा रहा हूँ ना कि किस तरीके की फीलिंग आई होगी। मैं खुद पढ़ा हूँ यार जब उन लाइब्रेरीज में उस तरीके से, तो मुझे पता है कि कैसा हुआ होगा, क्या पता वहाँ से निकलने का रास्ता ही ना मिला हो, मतलब हाउ टफ द सिचुएशन वुड हैव बीन। एक डायलॉग है सिंघम में, उसमें वो बोलते हैं कि अगर पुलिस चाहे तो यहाँ मंदिर के बाहर से एक चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती। एंड दिस इज़ ट्रू यार, हर कोई बोलता है ना व्हाई डू यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। ये आप लोगों के लिए आंसर है ताकि इस तरीके के हाथ से वापस से ना हो सके। अगर आप लोगों को पैसा ही चाहिए ना, जाओ यार बिजनेस करो ना, कॉरपोरेट लाइफ में जाओ, स्किल सीखो, वहाँ जितना पैसा कमाना है कमाओ। सिर्फ आईएएस बन के क्यों पैसा कमाना है यार, दो नंबर यहीं से क्यों निकालना है, क्यों निकालना है दो नंबर, ताकि बार बार ऐसे ही होता रहे। अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि सबसे बड़ी फॉल्ट किसकी है, तो मैं पब्लिक सर्वेंट्स की मानूंगा। वहाँ पे क्या एमसीडी नहीं है, उन्हें दिखता नहीं है कि पानी कितना भरता है, हर साल भरता है, सेम बार होता है, सेम सेम सेम। वहाँ की पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, वहाँ के कहाँ गए आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग कहाँ हैं, घर पे सो रहे हैं, जब कोई आपदा आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, जी हम तो आ गए हैं, कहाँ गए पॉलिटिशियंस। अरे यार एक बात तो, तुम लोग वहाँ आ रहे हो, तुम्हें दिख रहा है क्या हो रहा है, वहाँ पे भी अपनी पॉलिटिक्स, वहाँ पे भी अपनी पॉलिटिक्स कि आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया भाजपा, अरे कौन सा तुम्हें सही है, कौन सा सही है, ऐसा कौन सी पार्टी, इस पर करप्शन के केस ना हो, एक कोई करप्शन वाले बंदों को लेता है तो उससे करप्शन ही अड़ जाता है,
दूसरे वालों को अभी अंदर करा हुआ, पता नहीं वो करप्शन भी है नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं है, और तुम लोग ये बातें कर रहे हो। पॉलिटिक्स छोड़ दो भाई, हर चीज़ में पॉलिटिक्स मत घुसाओ। सबसे बड़ी जड़ तो करप्शन की है। ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से CPI में हमारी रैंक 93 है आउट ऑफ 180। और जहाँ तक कि मेरे को लगता है ना, करप्शन या फिर ये सारे के सारे इशूज़ जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के है, वो क्यों है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हम हर बार पढ़ते हैं ना अपने सब्जेक्ट्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कहाँ है? कोई है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं है। सारी लाइब्रेरीज आज भी बेसमेंट में चल रही हैं, 2 महीने तक ये लोग बंद कर देंगे, कुछ कर देंगे, हमने ये कर दिया, यहाँ स्ट्राइक डाउन कर दी, वहाँ स्ट्राइक डाउन कर दी, फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो NOC सिर्फ और सिर्फ उसके लिए चाहिए दी हुई है हम लोगों ने कि स्टोरेज करो, कि तुम लोगों को दिखता नहीं वहाँ पे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लोग कह दो कि जी हमें तो पता ही नहीं है। हर जगह पे वहाँ पे पुलिस बूथ होते हैं ना, पुलिस बूथ को क्या दिखता नहीं है वहाँ पे कितने बड़े बड़े लाइब्रेरीज के बोर्ड्स लगे हुए हैं, कौन से नीचे पढ़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, किसी को नहीं पता। अगर ऐसा है तो भाई फिर तो आप लोगों का सारा नेटवर्क ही फेल हो चुका है। ये कंट्री लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा है। आए दिन हमारे कहीं पे एयरपोर्ट के पिलर गिर जा रहे हैं, मुंबई में होर्डिंग गिर रहे हैं, बिहार के पुल गिर रहे हैं, लोगों की इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से डेथ हो रही है, ट्रेन की डिरेलमेंट हो रही है, किसी ट्रेन से पानी टपक रहा है, ये क्या चल रहा है? इस वीडियो से जाते जाते सिर्फ एक ही मेरी उम्मीद है, क्योंकि हम लोग एस्पिरेंट्स हैं, हम लोग इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, वी वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, IPS, IFS, IRS, whatever इट इज़, बट अ पब्लिक सर्वेंट। अपनी इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान में रखना है कि किसी भी पोस्ट पे जाने से हम लोग पब्लिक से ऊपर नहीं उठ जाते हैं, वी आर देयर फॉर देम। अगर इतने इश्यूज के बाद हम लोग भी नहीं चेंज होने वाले ना यार, अगर आप लोग भी करप्शन के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए इस फील्ड में जाना चाह रहे हो ना, देन दिस इज बाउंड टू हैपन अगेन। प्लीज इस चीज को चेंज करें, हम लोगों से ही चेंज आने वाला है। वोट देना है तो सही तरीके से वोट देना है, किन लोगों को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, किन क्रिमिनल्स को देना दे रहे हो आप लोग यार, क्या आज के टाइम पे हम सबको पता नहीं है कि आराम से आपकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है? थोड़े से अवेयर सिटीजन बनो, एंड आई प्रे फॉर द पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर किसी के लिए जिनके डिमाइस हुआ है, जिनके यहाँ बहुत पेनफुल सिचुएशन होगी उनके लिए, एंड आई प्रे टू गॉड कि वो उनको इस सिचुएशन से निकलने की ताकत दें। नमस्ते।